बिहार सरकार जो है 15 साल से रोजगार 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 चिल्ला रहा, लेकिन 15 साल के अंदर एक भी कल कारखाना, एक भी रोजगार मुहैया नहीं करा है। यदि रोजगार 15 साल के अंदर देते भी नीतीश कुमार जी, तो करीब 25 से 30 लाख मजदूर वर्ग बाहर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा धक्का मुक्की नहीं करते। तो स्वाभाविक है, नीतीश कुमार रोजगार के नाम पे केवल ड्रामा करते हैं। अभी बिहार में जो उद्योग विभाग है, हमें लगता है कि किस लिए भी विभाग बनाया हुआ है। यदि उद्योग विभाग है तो उद्योग का कल कारखाना लगना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुका है। मजदूर मरे, किसान मरे, कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह पंजाब में, हरियाणा में और अदर प्रदेश के सरकार अपने मजदूर के लिए, किसान के लिए काम करे, लेकिन बिहार सरकार तो चुप, एकदम गूंगा बैल बना हुआ है। बस इनका काम है केवल कुर्सी पाना और मुख्यमंत्री पद बने रहना। देखिए, जो मजदूर वर्ग लोग आ रहे हैं बिहार में, तो बिहार सरकार बुला तो रही है, क्योंकि विपक्ष का इतना दबाव बना, बिहार के जितने भी लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, सब ने इतना दबाव बना, तब जाकर नीतीश कुमार ने हार माना और हार मानकर आज बिहार मजदूर को बुलाने काम किए हैं। लेकिन आने के बाद उनका रोजी रोटी का भी प्रबंध होना चाहिए। बिहार सरकार केवल अभी बोल रही कि मनरेगा के तहत काम करेगी, तो मनरेगा के तहत कितने लोग काम करेंगे? जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो नॉन टेक्निकल हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप 15 साल के अंदर बिहार के अंदर कल कारखाना लगाते, तो जो मजदूर हमारा जो बाहर है, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, मुंबई में है, हर स्टेट में, तो वो आके हमारे यहाँ काम करते। तो चूंकि यहाँ पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, अब आ रहे जिस तरह यहाँ भी भूखे मरेंगे। सरकार पर तो कोई व्यवस्था है नहीं, सरकार बस चिंता है कि मेरा कुर्सी बरकरार रहे, और इसी पे नीतीश जी काम करते हैं। यदि नीतीश कुमार जी मजदूर वर्ग पे, किसान पे, छात्र छात्राएं पे करते, तो हमारे यहाँ के जो बच्चे बच्चियां कोटा पढ़ती है, आप समझ सकते हैं पूरे देश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें 80% बिहार के छात्र छात्राएं होती हैं। जितने भी बाहर में फैक्ट्रियां हैं, उसमें 90% बिहार के मजदूर होता है। हमारा जो पैसा है बाहर जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी केवल अधिकारी पदाधिकारी को खुश करने के रहते हैं, बिहार के मजदूर वर्ग मरे कटे उनको कोई मतलब नहीं है। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।